ऑस्की स्टेशंस ऑफ ऑप्स एंड गायनी इन नर्सिंग, ठीक है। तो नर्सिंग में ऑप्स एंड गायनी में ऑस्पी ऑस्की आप कैसे बनाते हैं वो हम आज देख लेते हैं। तो मैंने बनाए हैं पांच स्टेशन, पांच ही स्टेशन आपको बनाना है। पांच स्टेशन बनाने के लिए आपके पास पांच टेबल्स होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 टेबल्स दिखाई है, ठीक है, 5 टेबल्स दिखाई है। अब स्टेशन क्या है, सबसे पहले जो है, सबसे फर्स्ट नंबर पे मैंने कौन सा स्टेशन डाला है आप यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट नंबर पे है आपका प्रोसीजर, थेराप्यूटिक प्रोसीजर, जिसमें मैंने कौन सा सेलेक्ट किया है, दैट इज इमीडिएट केयर ऑफ द न्यू बॉर्न। इसमें आपको क्या करना है, आपके पास एक ट्रे होनी चाहिए, उसमें न्यू बॉर्न के सारे आर्टिकल होने चाहिए, जो कि अभी मैंने नहीं रख लिए, जैसे ही प्रैक्टिकल होगा मैं उसे रख दूंगी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, स्टूडेंट की डॉक्यूमेंटेशन शीट या एग्जामिनी रिस्पॉन्स शीट भी आप इसे बोल सकते हो, स्टेशन नंबर वन की, ठीक है। इसमें एग्जामिनर जो भी असिस्ट करेगा, जो भी करेगा, वो यहाँ पे मेंशन करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इवैल्यूएशन परफॉर्मर होना चाहिए और इवैल्यूएशन शीट होनी चाहिए, जिसमें आपका पूरा प्रोसीजर रिटन है। आप देख सकते हो ये पूरा प्रोसीजर रिटन है। इसी प्रोसीजर के हिसाब से अगर बच्चे सही बता रहे हैं तो आप आगे आगे मार्क्स देते चले जाओगे। रोल नंबर 1 2 3 4 5, रोल नंबर 10 तक इस फर्स्ट शीट में है। इसी तरह से नेक्स्ट शीट भी सेम है, रोल नंबर 10 तक, नेक्स्ट शीट भी सेम है, रोल नंबर 10 तक, और नेक्स्ट शीट भी सेम है। तो मेरे पास 40 बच्चे हैं, तो मैंने चार शीट इसकी निकाल करके रखी हुई है। इसके अलावा आपके पास अटेंडेंस शीट होनी चाहिए, ताकि ये प्रूफ रहे कि आपने ऑस्पी ऑस्पी ऑस्की करवाया है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका आ जाता है स्टेशन नंबर 2। स्टेशन नंबर 2 है आपका फिजिकल एग्जामिनेशन। अब पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन आप 5 मिनट में नहीं करवा पाओगे, इसलिए मैंने सिर्फ ब्रेस्ट असेसमेंट सेलेक्ट किया है। इसके लिए बच्चों को डमी के पास जाना पड़ेगा। मेरा डमी दूर है क्योंकि मुझे अभी प्रैक्टिकल कराना नहीं है, तो डमी मैंने दूर कर रखा हुआ है। अगर आपका प्रैक्टिकल है तो आपको डमी यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है, या एक्स्ट्रा टेबल रखनी पड़ेगी डमी रखने के लिए। बच्चे क्या करेंगे, डमी पे कंप्लीट प्रोसीजर दिखाएंगे। सेम चीज इनके पास, बच्चों के पास होगी, स्टूडेंट की शीट है, स्टूडेंट की शीट में बच्चे जो भी रिस्पॉन्स करेंगे वो पूरा लिखेंगे, ठीक है। हमारे पास कौन सी शीट होगी, टीचर के पास या इवेल्युएटर के पास, उसके पास ये शीट होगी। ये आपकी आंसर की भी है और ये आपकी इवेल्युएशन परफॉर्मर भी है, ठीक है। रोल नंबर 1 में किस किसने सही सही दिया है आप उसको मार्क्स देते चले जाओगे, 2 3 4 5 ऐसे आप कंटिन्यू करते चले जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका स्टेशन नंबर 3। स्टेशन नंबर 3 में मैंने क्या सेलेक्ट किया है, एनालिसिस, ठीक है। तो आपको टेस्ट की फाइंडिंग की एनालिसिस करना है, एबनॉर्मल टेस्ट को एनालिसिस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या सेलेक्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, स्पर्म एनालिसिस मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसमें मैंने 3 फिगर दिखाए हैं, ए बी एंड सी। बच्चे इसको एनालिसिस करेंगे कि इसमें कोई एबनॉर्मैलिटी है कि नहीं, इसमें कोई एबनॉर्मैलिटी है कि नहीं, इन दोनों में कंपैरिजन, और इन दोनों में कंपैरिजन कि कौन सा स्पर्म सही है कौन सा खराब है, ठीक है। तो बच्चे जो भी एनालिसिस करेंगे वो यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे या इस शीट में वो लिखेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंटेशन है स्टूडेंट का, ये इस शीट में राइट करेंगे। पहले वो अपना नाम लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे, और रोल नंबर लिखने के बाद इस शीट में वो अपना पॉइंट आउट करेंगे कि उन्होंने क्या क्या डिफरेंसेस देखे हैं, ठीक है। इसी तरह से टीचर का इवैल्यूएशन परफॉर्मर आप यहाँ पे देख सकते हो। रोल नंबर 1 में स्टूडेंट ने कौन से 5 एनालिसिस किए, क्या पांचों एनालिसिस सही थे कि गलत थे। अगर 5 में से वो 3 ही बता पाया तो इसको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 बता पाया तो उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरह से स्टूडेंट का एनालिसिस होगा। तो ये 20 स्टूडेंट की इवैल्यूएशन शीट है, मेरे पास 40 स्टूडेंट है, तो मैंने एक शीट और दो शीट निकाली है, तो 40 स्टूडेंट की शीट कंप्लीट हो गई। इसके अलावा आपके पास होगी आंसर की, जो कि आप स्टूडेंट को नहीं दिखाओगे, ये आपके पास केवल टीचर के पास रहेगी, इवेल्युएटर के पास, जिससे कि वो असिस्ट कर सकता है कि 5 कौन कौन से आंसर्स बच्चों को देने थे, इसी के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट है आपका स्टेशन नंबर 4 में मैंने क्या सेट कर रखा हुआ है, मैंने इंस्ट्रूमेंट ट्रे सेट कर रखी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने टोटल 6 इंस्ट्रूमेंट रखी है, लेकिन मैं स्टूडेंट से केवल यहाँ पे देख लीजिए 5 इंस्ट्रूमेंट का पूछूंगी, ठीक है, 5 इंस्ट्रूमेंट को पूछूंगी, एक एक्स्ट्रा रखा है मैंने। इसके अलावा
मैंने देखिए स्टूडेंट डॉक्यूमेंट शीट रखी हुई है या एग्जामिनी डॉक्यूमेंट शीट रखी हुई है, वो पांच इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और उसके आगे उसके यूजेस या पर्पस लिखेंगे। नेक्स्ट है स्टेशन नंबर 5। स्टेशन नंबर 5 में मैंने देखिए इस स्टेशन का नाम है डिसीजन मेकिंग। इसमें मैंने आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ द एपिजियोटमी सेट कर रखा हुआ है। बच्चे आएंगे स्टूडेंट्स, वो फर्स्ट इमेज देखेंगे, ठीक है, फर्स्ट इमेज कौन से टाइप की एपिजियोटमी इसमें हुई है वो करेंगे, सेकेंड में कौन से टाइप की एपिजियोटमी हुई है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है, ये सारा एनालिसिस स्टूडेंट देख करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहां से देखेंगे, यहां से देखेंगे और यहां अपने आंसर शीट पे वो मेंशन करेंगे, आप देख सकते हो। और उसी तरह से आपको यहाँ पे रोल नंबर 1 ने कितना अच्छा रिस्पॉन्स दिया, अगर 3 चीजें सही बताई हैं तो 3 मार्क्स दोगे, 2 बताई हैं तो 2 मार्क्स दोगे, 5 सही बताई है तो 5 मार्क्स पूरे कंप्लीट दे दोगे। तो इस तरह से आपके कंप्लीट 5 स्टेशन बन गए। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इवैल्यूएशन परफॉर्मा अगर 40 स्टूडेंट है तो 40 स्टूडेंट का इवैल्यूएशन परफॉर्मा आपके पास होना चाहिए, भले ही 2020 का हो, भले ही 2010 का हो, ठीक है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन शीट है स्टूडेंट की, ये भी आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट जितनी ही होनी चाहिए। अगर 40 स्टूडेंट है तो 40 डॉक्यूमेंटेशन शीट होनी चाहिए, ठीक है। तो इस स्टेशन के लिए 40 आप फोटोकॉपी करवाओगे या स्टूडेंट से करवा लेना, ठीक है। इस नेक्स्ट वाले के लिए भी आप 40 करवाओगे डॉक्यूमेंटेशन शीट, नेक्स्ट वाले के भी आप 40 करवाओगे, यानी कि हर स्टेशन के लिए 40 डॉक्यूमेंट शीट होनी चाहिए आपके पास। तो ये थे हमारे 5 स्टेशन, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।